इंडिया पक्ष न विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 बरेली में 19 जून 2022 को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। दिन निकलते ही अग्निपथ विरोध में उपद्रव की तस्वीरें सामने आई है। सुबह सुबह बिहार और ग्वालियर में ट्रेनों में आग लगा दी गई। उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट देखने के लिए मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्थानीय पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हिंसाओं को देखते हुए पुलिस हाई अलर्ट पर नजर आ रही है। ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के विरोध में पहले कानपुर और फिर पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज समेत अन्य जिलों में हिंसा हुई। उपद्रवियों ने तोड़फोड़, आगजनी में पत्थरबाजी की है। इन सभी को देखते हुए इस बार पुलिस हिंसा होने से पहले रोकने की कोशिश करने के लिए हाई अलर्ट पर है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि संवेदनशील इलाकों में ज्यादा फोर्स लगाई गई है। कई इलाकों में ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है। अग्निपथ योजना के खिलाफ भी आज से प्रदर्शन शुरू हो गया है। कल उत्तर प्रदेश से तस्वीरें सामने नहीं आई थी, लेकिन आज सुबह से ही उत्तर प्रदेश में तस्वीरें सामने आ रही हैं। छात्र सड़कों पर निकल रहे हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आज जुम्मा भी है। जुम्मे की नमाज को लेकर पहले ही अलर्टनेस देखी जा रही है, क्योंकि पिछले बीते दो जुम्मे में जिस तरह से हिंसा हुई है वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले से ही जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनके साथ प्रशासन की बैठक हो रही थी और बैठक के तहत फैसला लिया गया था कि आपसी सौहार्द सभी बनाकर रखें। लोगों से लगातार मॉनिटरिंग करके अपील की जा रही थी कि लोग जुमे की नमाज जरूर अदा करें, लेकिन अगर जरूरी ना हो तो मस्जिदों में ना जाए, अपने घर पर रहकर ही जुमे की नमाज को अदा करें। लेकिन उसके बाद ये छात्र आ गए और छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। उपद्रवियों ने अग्निपथ के विरोध में बलिया में खड़ी ट्रेन में आग लगा दी। ट्रेन की कई बोगियां काट कर अलग करनी पड़ रही है। इसके अलावा बलिया में स्टेशन में तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा तमाम और जिले हैं, ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। कुछ उपद्रवियों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जाम कर दिया, रोडवेज बस में तोड़फोड़ की, चंदौली में ट्रेन रोककर और अमेठी में धरना प्रदर्शन करके विरोध किया है। पुलिस राज्य में हाई अलर्ट पर है और उपद्रवियों को काबू करने में लगी हुई है, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हो। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें। अग्निपथ के खिलाफ सुबह से ही प्रदर्शन शुरू हो गया है। छात्रों को काबू करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब पूरी तरह से फोर्स तैनात है। अगर कुछ भी बड़ी हिंसक घटना होती है तो इससे पहले उसे रोक लिया जाएगा। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन में आग लगा दी गई है। बिहार में भी इस तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिली, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में भी ऐसी हिंसक तस्वीरें देखने के लिए मिली है। छात्रों को तितर बितर किया गया है, किसी को भी इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी दानिश मेरे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दानिश, लखनऊ में किस तरह का अपडेट देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि कल अग्निपथ को लेकर बिहार में काफी ज्यादा बवाल हुआ, लेकिन आज सुबह से उत्तर प्रदेश में भी लगातार हमें देखने के लिए मिल रहा है कि छात्र बवाल कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आज जुम्मा भी है प्रयागराज, और इसके अलावा कानपुर में जो हिंसक घटनाएं हुई थी उसका असर लखनऊ में कितना? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी विडंबना है कि आप जो प्रशासन है और शासन है उसके लिए सबसे बड़ा टास्क बन गया है उत्तर प्रदेश से लेकर सभी राज्यों में अलर्ट जारी करके कानून व्यवस्था का पालन करना। और सबसे बड़ी बात जो चुनौती बन गई है वो केंद्र के लिए बन गई है कि जो अग्निपथ योजना है, संविधान के 4 साल की जो भर्ती योजना लागू की गई है युवाओं के लिए, उनको समझा करके उनको इस बात पर एक्ट करना कि आपके हित में है। हालांकि कल राजनाथ सिंह का जो बयान आया है वो ये कहना है उनका कि 21 साल से अब 23 साल की उम्र अग्निपथ में युवाओं की भर्ती के लिए कर दिया गया है, इसलिए युवा धैर्य रखें। पहले क्योंकि अग्निपथ का नाम दिया गया था जो टेम्पररी यानी 4 साल के लिए संविदा की नौकरी थी, उसका अग्निपथ नाम केंद्र संवेदनशील इलाकों में कितनी ज्यादा पैनी नजर पुलिस की देखी जा सकती है। और इसके अलावा ये तो बात हो गई अग्निपथ की, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज जुम्मा भी है। जुम्मे की नमाज बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। शांतिपूर्ण सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, आपसी सौहार्द कितना दिखाई दे रहा है दानिश लखनऊ में? देखिए कि जुम्मे को लेकर के जैसे लखनऊ से शासन से अवनीत अवस्थी है
कौन कौन सेक्रेटरी के द्वारा अलर्ट जारी किया गया उत्तर प्रदेश में। पुलिस कल रात से ही मार्क ड्रिल कर रही है, कल रात से ही वो अपने पेट्रोलिंग कर रही है जगह जगहों पर। तो इससे एक बात तो साफ हो गई है कि जुमे की नमाज को लेकर के शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था बनी हुई है, और तमाम तरीके के मुस्लिम और शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा लेकर के भी एक अलर्ट जारी किया गया था लोगों से कि शांति बनाने की अपील की गई थी कि वो शांति बनाकर के रखें, हो सके तो नमाज का टाइम भी बदल लें। इस तरीके को लेकर के अभी तक शांति व्यवस्था लखनऊ से लेकर के कई अन्य जिलों में बनी हुई है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ से हमारे सहयोगी दानिश हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने सारी स्थितियां बताई है, किस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, किस तरह से छात्रों को काबू करने की कोशिश की जा रही है, ड्रोन के माध्यम से लगातार पैदल गश्त यहां पर अफसर जो है करते हुए नजर आ रहे हैं, अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, चाहे वो SP हो SSP हो, तमाम जो भी सीनियर्स हैं अधिकारी वो लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं और पैनी नजर रखी गई है। इसके अलावा आपसे कुछ ही देर में जुमे की नमाज भी शुरू हो जाएगी, और पिछले सप्ताह हमने देखा था कि जुमे की नमाज के बाद काफी संख्या में देश भर में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो बाहर निकल गए थे, कई जगह पर पत्थरबाजी भी हुई थी। ऐसे में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने सहयोगियों से संपर्क साध सके और अलग अलग जिलों का हालचाल जान सके। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये छात्रों ने जो अग्निपथ के विरोध में छात्र उतरे हुए हैं सड़कों पर, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ बसों में तोड़फोड़ की है, कुछ ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी गई। ऐसे में जो ट्रेनें हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। मुजफ्फरनगर से मेरे सहयोगी तस्लीम मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तस्लीम, मुजफ्फरनगर में किस तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है, माहौल कैसा है वहां का, क्योंकि आज जुम्मा भी है और अग्निपथ को लेकर छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए काजोल, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से कल तस्वीर अग्निपथ को लेकर सामने आई थी और पिछले जुमे को लेकर जो हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, तो उनसे सीधे सीधे साफ है कि इस जुमे को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस के सामने डबल चुनौती है। यानी पहले तो जो प्रदर्शन था वो नूपुर शर्मा के बयान को लेकर था, लेकिन अब इस बार बयान प्लस अग्निपथ को लेकर एक तरफ तो युवा हिंसक हो गए हैं यूपी में, यूपी की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, लगातार तमाम युवा तोड़फोड़ कर रहे हैं और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। और वहीं अब यूपी में उत्तर प्रदेश पुलिस जुमे की नमाज को लेकर के अलर्ट है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोहरी तस्लीम परिस्थिति को संभालने के लिए प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है, क्योंकि हमने देखा था कि नूपुर शर्मा के विरोध में दो जुम्मे ऐसे निकल गए कि हिंसक तस्वीरें सामने आई हैं, आज फिर जुम्मा है, लेकिन दूसरी तरफ जो अग्निपथ को लेकर छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा हिंदू संगठन जो हैं वो भी लगातार सड़कों पर आ गए हैं और कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और इसके अलावा वो आई सपोर्ट नूपुर शर्मा के पोस्टर लेकर भी सड़कों पर निकले हुए हैं। बिल्कुल काजोल, इसमें कोई दो राय नहीं है, हालात बिल्कुल नाजुक हैं और ऐसे हालात में पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है स्थिति पर नियंत्रण पाया जाते कि तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे मुलाकात की जा रही है, तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं से शांति की अपील की जा रही है, और वहीं तमाम लोगों से ग्रामीण क्षेत्रों में या शहर के तमाम सिटी के अंदर की बात करें, तमाम जगह पर तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ शांति समिति की प्रशासन बैठक कर रहा है, ताकि गणमान्य लोगों की के संपर्क साधने से वह तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे मुलाकात करने से उनके सहयोग से। तस्लीम, अगर मुजफ्फरनगर की हम बात करें तो मुजफ्फरनगर एक ऐसा जिला है जो मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है, काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, और मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे वो कोई भूला नहीं है। ऐसे में स्थितियां वैसी ही बनती हुई नजर आ रही है, कितना मुश्किल है कंट्रोल करना, प्रशासन से क्या आपकी बातचीत हुई है, किसी पुलिस अधिकारी से क्या कहना है उनका, सब कुछ कंट्रोल में है, किस तरह से लोगों से अपील की जा रही है? बिल्कुल, इसमें बिल्कुल सीधी बात यह है कि यहाँ पर जो पिछला जुमा था, पिछले जुमे को शांतिपूर्ण जो जुमे की नमाज थी उसको सकुशल संपन्न कराया गया था, तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे, तमाम जो पुलिस कर्मी थे वो सड़कों पर थे, और इस बार भी पुलिस प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है ताकि जो जुमे की नमाज है उसको सकुशल संपन्न कराया जा सके। हालांकि रात की बात प्रशासन के लिए ये भी है कि यहाँ पर कल अग्निपथ को लेकर कोई प्रदर्शन नहीं हुआ और पिछले जुमे को भी यहाँ पर कोई हिंसा या कोई इस तरह का मामला सामने नहीं आया था, तो वही प्रशासन एक बार फिर से कहने की उम्मीद कर रहा है कि जो मीटिंग की जा रही है, तमाम लोगों से संपर्क साधा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो लोगों का सहयोग देखने को मिला है उसके नमाज सकुशल संपन्न। ठीक है तस्लीम, यानी कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल माहौल मुजफ्फरनगर में
ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लगातार अपडेट मेरे सहयोगी मुझ तक पहुंचा रहे हैं और हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं आज और कितना मुश्किल है इसे कंट्रोल करना, वो एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जो फोर्स है, वो जो भी छात्र निकले हुए हैं जो प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं उनको तितर बितर किया जा रहा है, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। कई जगह पर हल्के बल का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है, कई जगह पर लाठीचार्ज भी करना पड़ रहा है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में रहे, आपसी सौहार्द बना रहे, कोई हिंसक तस्वीर प्रदेश में सामने ना आए, इस वजह से पूरी तैयारियां पहले ही कर ली गई थी। सारे नियंत्रण यहां पर करने की कोशिश की जा रही थी कि जैसे भी जो तस्वीरें पिछले दो शुक्रवार को नजर आई थी वो तस्वीर अब उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आनी चाहिए। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आए थे कि पूरा कंट्रोल रखें ड्रोन के माध्यम से, जो अति संवेदनशील इलाके हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पैनी नजर रखें, कोई भी एक्टिविटी होती है तो उस पर फोकस किया जाए और तुरंत एक्शन लिया जाए। जो भी उपद्रव करते हैं या किसी को भड़काने की कोशिश करते हैं उन पर एक्शन तुरंत होना चाहिए। और प्रयागराज से मेरे सहयोगी रणविजय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रणविजय, प्रयागराज में कैसी तस्वीरें हैं? पिछले सप्ताह हमने देखा था शुक्रवार को प्रयागराज में हिंसक तस्वीरें सामने आई थी। जी मैडम, प्रयागराज में जिलाधिकारी प्रयागराज और यशस्वी प्रयागराज के द्वारा कल शाम से ही धर्म गुरुओं और तमाम मूलमियों के साथ, इमामों के साथ मीटिंग की गई है। मीटिंग में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी गई है और आज जुमे के दिन चप्पे चप्पे पर होमगार्ड, पुलिस, पीएसी और आरएएफ और पैरामिलिट्री के जवान हमेशा तैनात हैं। जगह चौराहों पर, नुक्कड़ों पर, हर जगह संवेदनशील इलाकों में 300 की संख्या में सीसीटीवी एक्स्ट्रा कैमरे लगाए गए हैं, 200 वीडियोग्राफरों की भी व्यवस्था की गई है, ड्रोन कैमरों से भी प्रयागराज में निगरानी की जा रही है और पुलिस प्रशासन से लेकर के आला अधिकारी तक हमेशा चाक चौबंद बनाए हुए हैं और जाहिर है लगता है कि शांतिपूर्ण ढंग से इस बार की नमाज अदा होगी। पल पल की अपडेट लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप लोगों तक पहुंचा रहा है और आगे भी पल पल की अपडेट लगातार पहुंचाता रहेगा। किस तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट है उसकी तस्वीरें, उसकी बानगी आपके जल्द स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते रुक करेंगे कुछ और खबरों का। बरेली के थाना इज्जतनगर क्षेत्र में बोरे में बंद 8 माह का नवजात शिशु मिला है। कुत्ते और कीड़े मकोड़े नोचते रहे। 8 घंटे बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर नवजात शिशु को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि नानी ने ही अपने नाबालिग बेटी के 8 महीने के नवजात शिशु को फेंक दिया। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला था जिसकी वजह से इज्जत की खातिर ऐसा किया गया और तस्वीरें भी आपके सामने हैं, वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के रहपुरा चौधरी गांव में कूड़े में नवजात शिशु मिला। पुलिस ने टीम को सौंप दिया है, नवजात शिशु का इलाज टीम कर रही है। दिनेशपुर थाना अंतर्गत चंदन नगर गांव में महिला के साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज होने के एक पखवाड़े से अधिक समय बीतने के बाद भी अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित दंपति दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने मामले की विवेचना कर रहे जांच अधिकारी पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। फतेहपुर जिले के अमरजे मोहल्ले में पहुंचे जिले के सांसद और केंद्रीय मंत्री ने ईडी द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर कांग्रेसियों के प्रदर्शन को लेकर जहां बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी द्वारा कोई कर नहीं है तो डर किस बात का है। राहुल गांधी पर अगर किसी तरह का कोई भी यहां पर ब्याज नहीं है या टैक्स उन्होंने नहीं भरा है तो आखिर वो ईडी से क्यों डर रहे हैं। ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ की प्रतिक्रिया पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस को इस तरह से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अमरजई मोहल्ले में बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत इस कार्यक्रम में यहां पर बीजेपी के सांसद साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के प्रदर्शन पर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी का हर काम विशेष ही होता है। जब से जनसंघ की स्थापना हुई, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी जमीन में काम कर रही है और जमीन में काम करने का ही परिणाम है माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के व्यक्तित्व के कारण। आज भारत सर्वोपरि है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार
अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश ने भी इतिहास बदला है, दोबारा सरकार 37 साल के बाद आना बहुत बड़ी बात है। ये एक सतत प्रक्रिया है, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना, उनसे संपर्क करना और किसी के साथ में कोई समस्या नहीं। आज कई कार्यक्रम है इसी तरह से, क्योंकि आज मेरा पूरा आधा घंटा आधा दिन फतेहपुर के प्रॉपर है और आधा दिन जानाबाद और जिनकी विधानसभा की है। और अब खबर गोंडा से, जहां बीते दिनों भाजपा नेता नुपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान के विरोध में आगामी 10 जून जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में हिंसक झड़प के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हनुमान गर्जन मंदिर परिसर में सभा का आयोजन कर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता आगे बढ़ने लगे। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट अरविंद गुप्ता पहुंचकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से ज्ञापन लेकर विरोध प्रदर्शन को जारी रखा। गत शुक्रवार को एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता द्वारा जो बयान दिया गया, उसके विरोध में जिस प्रकार से शुक्रवार वाले दिन 10 जून को भारत देश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और शहरों में एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा जो अराजकता फैलाई गई, उसके विरोध में आज बजरंग दल के द्वारा पूरे देश में ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हम लोगों ने एक महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन मैंने सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को सौंपा है और उसमें मांग की है कि ऐसी हिंसक घटनाओं को तत्काल रोका जाए और जो लोग उकसावे का काम करते हैं, जैसे कि जमीयत उलेमाए हिंद एक AIMIM के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जिससे भारत की छवि जो वैश्विक स्तर पर ये लोग खराब करने का प्रयास कर रहे हैं उस पर भी रोक लगे। हरदोई के कोतवाली शहर इलाके के जिला महिला अस्पताल में होमगार्ड और तीमारदार के बीच धक्का मुक्की और मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस मामले में सीओसीटी ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है। एक वीडियो वायरल हुआ है, मेरे संज्ञान में आया है कि महिला हॉस्पिटल में एक होमगार्ड और किसी के साथ हाथापाई हुई है, उसका गंभीरता से जांच की जा रही है और तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर लक्सर से है। मॉनसून के आगमन और बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। लक्सर और खानपुर क्षेत्रों में गंगा नदी के आसपास बसे करीब 40 गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए प्रशासन ने 4 बाढ़ नियंत्रण चौकियां बनाई है। SDM गोपाल राम बिनवाल ने सभी बाढ़ चौकियों और गंगा नदी के तटबंध का स्थलीय निरीक्षण किया है। और मानसून अवधि को देखते हुए लगभग इस पूरे क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर 4 बाढ़ चौकियों का निर्माण किया गया है। उसमें 15 तारीख से उन्हें ड्यूटियाँ भी संबंधित कर्मचारी भी लगाई गई है विभिन्न विभागों से और उनको निर्देशित दिया गया कि वो 24 आवर्स 8-8 घंटे की ड्यूटी वहाँ पर करेंगे। इसको लेकर के जिन कर्मचारी की ड्यूटी लगी है वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं उसको देखने के लिए मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने यदि बाढ़ जैसी कोई स्थिति बनती है तो उसके लिए सर्टन हाउस चिन्हित किए हैं, उन कॉलेजों का भी निरीक्षण किया गया और वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या हमें आगे व्यवस्था करनी होगी इसका भी निरीक्षण किया गया। और मुख्यतः जो तटबंध जहाँ से पानी अंदर आबादी क्षेत्र में घुसता है उस तटबंध का भी निरीक्षण किया गया है और सिंचाई विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वो मानसून अवधि बारिश होने से पहले पहले उसको पूर्ण कर लें। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने श्रीनगर विधानसभा के पाबो ब्लॉक के गुलदार प्रभावित भट्टी गांव और सपलौड़ी का दौरा किया है। पिछले एक महीने में इस इलाके में गुलदार ने 2 महिलाओं को मार डाला। हरीश रावत ने यहां पहुंचकर मृतक महिलाओं के परिजनों को सांत्वना दी है और अपने स्तर से परिवार को आर्थिक मदद की भेंट की। हरीश रावत का श्रीनगर विधानसभा के इस इलाके में पहुंचना सत्तारूढ़ भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वन मंत्री सुबोध उनियाल और स्थानीय विधायक धन सिंह रावत पर एक राजनीतिक तमाचा भी माना जा रहा है।
सहारनपुर में युवक को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया जहां पर उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि युवक का नाम रमन चौधरी है जो एक मेडिकल स्टोर चलाता है और फार्मासिस्ट भी है। आज दोपहर रमन चौधरी के मोबाइल पर फोन आया और कुछ युवकों ने उसको बुलाया, कहा कि कुछ बात करनी, जिस पर रमन चौधरी वहां से चला गया और जैसे ही वहां पहुंचा तो बात करते करते कुछ और युवक मोटरसाइकिल पर आ गए और उस पर सीधे गोली से वार कर दिया। पिछले दो शुक्रवार से शुक्रवार की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में हो रही हिंसा के मद्देनजर जिले की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। शुक्रवार की नमाज पर पैनी निगाह बनी हुई है। अब तक शांत रहे सिद्धार्थनगर जिले में भी कोई विवाद न हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने दोनों समुदाय के लोगों से संपर्क कर आपसी सौहार्द बनाने की अपील की है। मैनपुरी के अचा बाईपास मार्ग पर कोतवाली पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। करीब एक घंटा चली मुठभेड़ में 25,000 के नामी हिस्ट्री शीटर पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसके साथ ही पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। वहीं एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली। पकड़े गए बदमाश पर करीब 19 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। सरोवर नगरी नैनीताल राजभवन आए राज्यपाल और उनके परिजन इन दिनों पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार जगह जगह जा रहे हैं, तमाम लोगों की समस्याओं का भी निदान कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने SOS चिल्ड्रन विलेज भीमताल में रह रहे बच्चों से मुलाकात की। वहीं इन बच्चों के साथ दोपहर का भोजन भी किया। इस मौके पर राज्यपाल ने बच्चों से मिलकर उनके संवाद करते हुए उनकी रुचियों के बारे में जाना है। साथ ही अवसर पर संस्था के पदाधिकारी और बच्चे उपस्थित रहे। उत्तराखंड थाना क्षेत्र के निमित्रिया बाजार में अज्ञात चोरों ने ज्वेलरी की दुकान का दरवाजा तोड़कर सोने चांदी के गहने समेत नकदी लूट ली है। बताया जा रहा है कि निमित्रिया गांव निवासी राहुल कुमार सोनी, जिनकी ज्वेलर्स की दुकान है, राहुल सोनी रोज की तरह बुधवार देर शाम दुकान बंद कर घर चले गए, जिसमें अज्ञात चोरों ने रात में दुकान के पीछे का दरवाजा तोड़कर सोने चांदी नकदी समेत करीब 3,00,000 रुपए की चोरी कर ली। सेना भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध तेज हो रहा है। अग्निपथ योजना के विरोध में बड़ौत शहर में सैकड़ों युवाओं ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रदर्शनकारी युवाओं की मांग है कि सेना में भर्ती पुरानी प्रक्रिया के तहत की जाए। जाम की सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारी ने प्रदर्शनकारी युवाओं को समझाया, इसके बाद युवा हाईवे से हट गए हैं। हल्का बल का भी आप इस्तेमाल करना पड़ा। देश में बढ़ रहे इस्लामिक जिहादी कट्टरता और हिंसा की घटनाओं के बीच अब हिंदू संगठन पूरी तरह से गुस्से में आ चुका है। तमाम हिंदू संगठन इन इस्लामिक जिहादी और हिंसा की घटनाओं को अंजाम देने वालों पर उग्र हो गए हैं। हिंदू संगठन नुपुर शर्मा के समर्थन में भी खुलकर सामने आ रहे हैं। महानगर के चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथ ही अन्य संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन जताया और जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से देश भर में इस्लामिक जिहादी कट्टरता बढ़ती जा रही है, योजनापूर्वक हिंदू पर हमले किए जा रहे हैं। महीने में जो बीत गया है, श्री राम जी के प्रकोत्सव और श्री राम नवमी पर्व पर देश भर में शोभा यात्रा निकाली गई थी। कई जगह पर शोभा यात्रा के ऊपर पथराव हुआ, हमले किए गए थे, जिसके कारण अनेक स्थानों पर कर्फ्यू लगाने के साथ ही अतिरिक्त पुलिस को बुलाना पड़ा था। स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। जुमे की नमाज को लेकर खाकी पूरी तरह से अलर्ट है। यही वजह है कि गोरखपुर में देर शाम के बाद SSP DO समेत कोतवाली थाना क्षेत्र सहित राजघाट, तिवारीपुर और उससे संबंधित सभी चौकी इंचार्ज के साथ एक फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च सभी संवेदनशील जगहों से होते हुए मदीना मस्जिद, जामा मस्जिद सहित तमाम जगहों पर जाकर सुरक्षा का जायजा लेते हुआ नजर आया। पीलीभीत में भी जुमे की नमाज को लेकर डीएम पुलकित खरे, SP दिनेश कुमार प्रभु ने पूर्व प्रशासनिक अमले और पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च कर अलग अलग जोनल सेक्टरों में पुलिस बल को तैनात कर लगातार ड्रोन के माध्यम से इंतजाम किए हैं ताकि पैनी नजर रह सके। सहारनपुर जिले के जिलाधिकारी अखिलेश सिंह और SSP आकाश तोमर, SP सिटी राजेश कुमार और सिटी मजिस्ट्रेट विवेक चतुर्वेदी ने RAF और भारी पुलिस फोर्स बल के साथ फ्लैग मार्च किया। सहारनपुर के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार लोगों से अपील की जा रही है।
जुमे की नमाज को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। 7 जोन में 39 सेक्टर में किया गया है जिले का विभाजन। 9 QRT बनाई गई है जो क्षेत्र में लगातार भ्रमण करेगी। दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस जवानों के साथ DMSP ने फ्लैग मार्च किया है। आमजन से शांति बनाए रखने की अपील लगातार की जा रही है। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 3 बच्चे बुरी तरह से झुलसे हैं। आम तोड़ने के चक्कर में हाईटेंशन तार की चपेट में 3 बच्चे आ गए हैं, जिससे गंभीर रूप से झुलस गए। मेवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बच्चों का इलाज चल रहा है। वार्ड नंबर 12 के हबीबुल्लाह नगर के रहने वाले हैं तीनों बच्चे। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के खीरा मंडी पेट्रोल पंप के पीछे यह हादसा हो गया। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज टोल प्लाजा के पास से पुलिस ने बीते 6 जून को टोल प्लाजा से आगे बस कंडक्टर से हुई लूट की घटना के मामले में मुख्य आरोपी 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 बरेली में 19 जून 2022।